सोलन की हाउसिंग बोर्ड का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो सेप्टिक टैंक हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था वह आज तक आरंभ नहीं हुआ और गंदगी सीधे उन नालों में फेंकी जा रही है जिसमें कई उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं और जहां यह गंदगी एकत्रित होकर पहुंचती है वहां आसपास रहने वाले लोगों को तो जैसे नर्क में रहने पर मजबूर हो गए हैं। सोलन के हाउसिंग बोर्ड का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। जो सेप्टिक टैंक हाउसिंग बोर्ड में बनाया गया था वो आज तक आरंभ नहीं हुआ है और गंदगी सीधे नाले में फेंकी जा रही है जिससे कई उठाऊ पेयजल योजनाएं और जहां ये गंदगी एकत्रित होकर पहुंचती है वहां आसपास रहने वाले लोग तो नरक जैसे जीवन जीने पर मजबूर हो चुके हैं। गर्मी के मौसम में जहां लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोली रखती हैं ताकि खुली आबोहवा आए, लेकिन यहां पर लोग बदबू के कारण दरवाजे खिड़कियां बंद रखने पर मजबूर हैं। प्रदूषण विभाग और नगर परिषद के अधिकारी टांग पर टांग रखकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सारे हाउसिंग बोर्ड के शौचालय की गंदगी उनके घर के आगे आती है और जहां से इतनी दुर्गंध आती है कि वे अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल नहीं सकते हैं। बच्चे बीमार ना हो इसलिए वे उन्हें बाहर खेलने नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि जब से हाउसिंग बोर्ड बना है तब से उनका सेप्टिक टैंक खाली पड़ा है और गंदगी विभिन्न नालों के माध्यम से खुले में फेंकी जा रही है, जिसके बारे में वे कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरा नाम कंचन आंगीरस है। हम रबौन फेज 2 ब्लॉक नंबर 6 में रहते हैं। यहाँ पे जो है सेफ्टी टैंक पूरा टूट चुका है और उसकी पाइपें जो है वो खुले में छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से हम सवेरे ना तो अपने कर्टन खिड़कियां खोल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे सकते। यहाँ बहुत गंदी स्मेल आती है, मॉस्किटोज मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, हमें यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई बार तो इतना होता है कि हम कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ भी, सारे लोग इकट्ठे हुए तो इतनी गंदी एकदम से स्मेल चलनी शुरू हो जाएगी कि हमें अपने घरों के अंदर जाना पड़ता है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके रहना पड़ता है यहाँ पे। मेरा नाम मोनिका शर्मा है, हम फेज 2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। हमारे घर के सामने ये सेप्टिक टैंक है जो कि पूरी तरह से फटा हुआ है और यहाँ से सुबह शाम इतनी गंदी स्मेल आती है, ना तो हम मॉर्निंग वॉक करने बाहर निकल सकते हैं, ना हम बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, और इससे इतनी गंदी बीमारियां फैलने का भी डर लगा रहता है, जिससे हमें ये डर है कि कहीं बच्चों को बाहर ज्यादा देर रख दिया तो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। तो हमें बहुत दिक्कत है, इसका कुछ प्लीज किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शर्मसार होना पड़ता है सर, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो उनको भी लगता है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। तो प्लीज, हमें बहुत दिक्कत है, कोई अननोन यहाँ से गुजरता है वो भी नाक बंद करके गुजर जाता है, पर हमें तो यही रहना है। तो पाइप है वो फटा हुआ है, वो पानी आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे रुका हुआ है और इसकी वजह से बहुत ही स्मेल आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे कोई काम प्रोफेशन भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि स्मेल भी बहुत ज्यादा है। तो रिक्वेस्ट है कि है इसे ठीक करवा जाए, बीमारियां भी फैल रही है, बाहर भी नहीं बैठ सकते, ना इवनिंग वॉक ना मॉर्निंग वॉक कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्मेल ही इतनी ज्यादा है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, एक्चुअली गैलरी में खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया कि इतनी स्मेल आ रही है। यहाँ पे जब हम खेलते हैं यहाँ पे हमें बिल्कुल भी खेलने को जगह नहीं मिलती और यहाँ स्मेल है बहुत, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है, हम खेल भी नहीं पाते हैं, इधर अगर बाहर निकलते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है, हम दरवाजे भी नहीं खोल पाते। वो टैंक जब से कॉलोनी बनी है तब से टैंक फटा हुआ है, मतलब 82-83 में हैंडओवर हो गया था कॉलोनी, तो सारा ये कभी उसमें आज तक भरा नहीं है और सारे टैंक फटा हुआ है, फर्श वगैरह फटे हुए हैं और सीवरेज सिस्टम सारा फेल है। जितना भी उसमें पाइपें फटी हुई है वो साइड में उसकी पाइपें फटी हुई है और वो सारा खड्ड में जा रहा है और यही जो खड्ड है आगे शुल्नी यूनिवर्सिटी तक जा रही है और सारा ये जो सिस्टम है इसी कारण पोल्यूशन हो रहा है और लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो ये था आज दिन का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।